आपके घर में अगर छोटे से शिवलिंग है, आपके घर में छोटे से ठाकुर जी हैं, आपके घर में छोटा सा कन्हैया है, और छोटे से कन्हैया जो पुराने समय का है, उसको नेत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नेत्र हैं। और मान लो तुमने इतना बड़ा कन्हैया ले लिया तो, अरे बोलो तो जम के जरा, और उसका कोई एक नेत्र कहीं गिर गया, एक नेत्र कहीं चले गया, तो फिर दूसरा नेत्र लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और अगर एक नेत्र पर रखोगे तो अच्छा लगेंगे कि ठाकुर जी? नहीं, तो नेत्र होना। जितनी बड़ी मूर्ति होती है, जितना बड़ा स्वरूप होता है, जितना बड़ा शिवलिंग होता है, जितनी बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है, उतनी उसमें सेवा की और भाव की जरूरत पड़ती है। और पार्थिव शिवलिंग हो, चाहे घर में शिवलिंग हो, घर में कोई भी मूर्ति हो, वो अंगुष्ठ की आकृति से बड़ी ना हो महाराज, बस इतना बड़ा स्वरूप शंकर का, इतना बड़ा स्वरूप कृष्ण का, इतना बड़ा स्वरूप राम का, तुम्हारे घर में जो भगवान है उसका स्वरूप इतना बड़ा हो। और पुराने हैं और कोई बड़ा स्वरूप है तो पूजन करो, मना नहीं है। अगर पुराना स्वरूप रखा है तो उसको कहीं देकर नहीं आना आपने, को कहीं उनको ठंडा नहीं करना, उनका विसर्जन नहीं करना, रखा है अब सेवा करो। पर कोई नई पूजन अगर बढ़ा रहे हो और कोई तुमसे कह दे मंदिर बनाओ, इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण करो, तो कह देना महाराज जी हम तो छोटा ही भला। बच्चा जितना छोटा होता है उसको खिला दो पिला दो, झूले में पटक दो, फिर टाइम पे पहुंचो, झूले में से उठाया, फिर दूध पिलाया, फिर पटक दिया, एक छोटा सा झुनझुना पकड़ा दिया, खेलता रहा। और वही बच्चा जब बड़ा हो गया तो कहीं इधर भागे कहीं उधर भागे, बेचारी माँ आई थी शिव पुराण सुनने के लिए और बेटे ने कार्तिक पुराण सुना दिया, तो कोई सुन पा रहा? छोटा रहेगा उसकी सेवा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता पार्वती चाहती तो बहुत बड़ा शिवलिंग का निर्माण कर सकती, पर पार्थिव शिवलिंग माता पार्वती एक छोटे से पत्ते पर शिवलिंग का निर्माण करती, छोटे से पत्ते। महाराज ध्यान दीजिएगा, एक स्कंद पुराण का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। केल के पत्ते पर, बड़ के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर, बेलपत्री के पत्ते पर शिवलिंग के निर्माण का अलग अलग फल है महाराज, उसका स्मरण करिए जरा। महाराज केल के पत्ते पर, जब केल का जो पत्ता होता है उस केल के पत्ते पर जब कोई विशेष तीज की तिथि पड़े, कौन सी तिथि हो? तीज हो, जैसे हरतालिका तीज हो, कोई छोटी तीज बड़ी तीज, और यदि आप तीज के दिन केल के पत्ते पर शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन अर्चना करते हैं, उसका स्मरण कर रात होने से पहले विसर्जन करते हैं, तो नारी की अखंड सौभाग्यता रहती है। दूसरा क्रम, बड़ के पत्ते पर जो शिवलिंग का निर्माण करा जाता है वो दोपहर के समय के बाद, जो समय 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है, बड़ के पत्ते पर उस शिवलिंग का निर्माण करा जाता है, छोटे से पार्थिव शिवलिंग का। ये काय के लिए होता है? तो कहा ये रोग मुक्ति के लिए होता है। कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है और एक रोग के साथ उसके 4-4 रोग घिर रहे हो, मान लो उसको शुगर भी है, बीपी भी है, ये भी है, वो भी है, और उसको वो चीज, मान लो कोई व्यक्ति है उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, एक सहज भाषा में लीजिए, और उसका बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है, उसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही है, तो क्या करना है अपन को? बड़ का जो पत्ता होता है उस व्यक्ति से उस बड़ के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण कराकर उसकी पूजन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कराकर उसका विसर्जन कर दीजिए। फिर ना तो उसकी शुगर ऊपर जाएगी, ना नीचे जाएगी, ना बीपी ऊंचा ना नीचा, उस व्यक्ति का आराम से ऑपरेशन करवा सकते। 24 घंटे के लिए उसके रोग को शिव अपने हाथ में ले लेता है, बड़का पत्ता। महाराज इसकी कोई तिथि नहीं है, इसका कोई समय नहीं, इसका कोई पल नहीं, इसकी कोई घड़ी नहीं। तीसरा,
पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता। जो बच्चा गलत कर्म में डूब रहा हो, तुम्हें लग रहा है कि ये बालक गलत जगह जा रहा है, व्यसन में डूब रहा है, मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, या चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही है, या इसकी मति भ्रष्ट हो रही है, गंदी जगह पर जा रहा है, तुम्हें लग रहा है ये लाइन से भटक रहा है, तो पीपल के पत्ते पर भगवान शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन अर्चना करी जाती है, और उसी बालक का नाम लेकर तब उसका स्मरण कर विसर्जन किया जाता है। ये सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में हो, कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी बात, कोई भी समय, कोई भी तिथि, पर समय एक निश्चित है, सुबह 10 से 12। महाराज चौथा क्रम कहां है? बेलपत्री के पत्ते के मध्य भाग। आप विचार करिएगा, बेलपत्री का पत्ता कोई इतना बड़ा तो होता नहीं, बेलपत्री का पत्ता होगा ज्यादा ज्यादा एक हथेली के बराबर होगा, और बड़ा होगा तो और ज्यादा बड़ा होगा पत्ता। तो बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री के बीच वाले भाग में महाराज जिसका व्यापार नहीं चलता, व्यवसाय नहीं चलता, कोई काम आज की जगह कल हो रहा है, कल की जगह परसों हो रहा है, और काम जरूरी में होना चाहिए, या व्यापार कुछ दिन चल के बंद हो गया, कोई नया लाइन पकड़ रहा, नया व्यापार करने जा रहा, नया कोई काम करने जा रहे हो, तो बेलपत्री के मध्य भाग पर शिवलिंग का निर्माण करा जाता। आप विचार करिएगा जब बेलपत्री का मध्य भाग कितना बड़ा होगा, और उस पर शिवलिंग बनाना, तो एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण, मध्य भाग में शिवलिंग का निर्माण महाराज, ये केवल शिवरात्रि के दिन होता है। 12 महीने की जो भी शिवरात्रि हो, किसी भी शिवरात्रि पर आप उस बेलपत्री के मध्य भाग पर शिवलिंग का निर्माण कर अपना पैसा अगर डूब भी गया है, उसको पाने के लिए, अपने धन को वापस लाने के लिए, आप इस शिवलिंग का निर्माण कर आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। अब इसकी समय सीमा कुछ भी नहीं, बस सूर्य अस्त होने से पहले इसका निर्माण हो और इसका पूजन होकर स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अंतर्गत इसका भाव जी। बाबा जो नाथ द्वारा में विराजते हैं कहां रहते थे? अरे बोलो जम के, गोवर्धन जतिपुरा। और जब उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, श्री जी बाबा को घास की गाड़ी में छुपाया, लेकर रातों रात ब्रजवासी चले, कहां जाएं, मार्ग भटक गए, वापिस आ गए उसी जतिपुरा में। तब भगवान को लगा, श्रीनाथ जी को लगा, ठाकुर को लगा, अगर मेरे ही स्वरूप को ये तोड़ देंगे तो भक्ति स्फुटित कैसे होगी, भक्ति का प्रचार कैसे होगा। तो श्री जी बाबा ने महादेव को याद करा, शंकर भगवान एक ब्रजवासी का रूप लेकर आ गए, जिनका नाम था बूढ़ा महादेव। आज भी नाथ द्वारा में सारे ब्रजवासियों के साथ में भगवान घास की बैलगाड़ी के आगे शंकर भगवान बूढ़ा महादेव बनकर एक मसाल हाथ में लेकर, एक डंडे को हाथ में टिकाकर, और मेरे शंकर आगे आगे बैलगाड़ी के चलते रहे, और ब्रजवासी सब पीछे पीछे चलते रहे। सारे ब्रजवासी जो साथ में जाने वाले वो पीछे पीछे सब दूर घूम लिए। तब श्री जी बाबा ने बैलगाड़ी में से झांक कर बूढ़े महादेव को देखा जो आगे चल रहे थे, उनको देखकर कहा, कहां रुकना है? बूढ़ा महादेव कहते हैं बस यहीं रुकना है, बस यहीं। आज भी नाथ द्वारा में बूढ़ा महादेव है, और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाओ तो बूढ़ा महादेव का जरूर दर्शन कर आना, नहीं तो श्री जी बाबा राजी नहीं होते, भले तुम परम भगवती वैष्णव क्यों ना हो। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, पर जब तक नाथ द्वारा में जाओ और बूढ़ा महादेव का दर्शन ना करो तो श्रीनाथ जी प्रसन्न नहीं होते। जैसे तिरुपति गए, तिरुमाला में दर्शन करे वेंकटेश भगवान के, और कपिलेश्वर नहीं गए तो भगवान नारायण प्रसन्न नहीं होते, उसी तरह मेरा बूढ़ा महादेव आज भी वहां पर विराज जो श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा तक ले गया। अब कई वैष्णव कहते हैं हम श्रीनाथ जी वाले, हम ठाकुर जी को, हम शंकर जी के, तो शंकर जी तो लेके नाथ द्वारा गए, बाबा स्वयं आगे मसाल जला के ले जा रहे चलो, और अंदर से ठाकुर जी पूछ रहे हैं कहां रुकूं, तो बस यहीं, जहां बोले वहीं रुकना, क्यों चिंता करना। जब मेरे ठाकुर जी को
उतना दूध पिलाई, भगवान ने बहुत प्रेम से पिया। और जब भगवान को विष देने लगी तो ठाकुर जी को जैसे ही मुख में दूध की जगह विष दिया, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। कई कथाकारों ने कहा भगवान नेत्र इसलिए बंद कर रहे हैं कि उसको पूतना को पहचान रहे हैं। लो तो सब भगवान को पहचानने की क्या जरूरत थी, भगवान जानते थे ये रत्नमाला है, राजा बलि के दरवाजे पे मिली थी। पर भगवान ने नेत्र क्यों बंद करा था? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान नेत्र बंद कर पूतना के स्तनों का दूध मुख में रहकर भगवान नेत्र इसलिए बंद करे थे कि शंकर जी को याद कर रहे थे कि हमने तो हमेशा अमृत पिया है, विष तुम्ही ने पिया है, ये मुझे विष पिलाने आई, जल्दी से आओ और मेरे कंठ पर बैठ जाओ। और शंकर भगवान आकर कृष्ण भगवान के कंठ पर बैठ गए और सारा विष शिव पी गए। जब शंकर भगवान विष पी गए, शंकर भगवान को चक्कर आ गए। जो चक्कर आए तो शंकर भगवान चक्कर खाकर नीचे गिर गए। ठाकुर जी ने चरण का प्रहार करा, मानसी गंगा को प्रकट करा और गंगा का जल शंकर भगवान पर छीटा तो शिव जी का नाम चकलेश्वर महादेव पड़ गया, जो आज भी मानसी गंगा के नजदीक में, आज भी गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करे, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करे तो चकलेश्वर जाना जरूरी है। जो चकलेश्वर महादेव नहीं जाता उसे ब्रज 84 कोस की यात्रा नहीं लगती, उसे गिरिराज बाबा की परिक्रमा नहीं लगती। कई लोग कहते हैं हम तो गोवर्धननाथ जी जाते हैं, हम तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, हम तो गए थे गुरु जी पर हमारा ये काम, क्यों तुम चकलेश्वर नहीं गए होगे? चकलेश्वर जाते, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है चकलेश्वर मानसी गंगा का। एक बार चकलेश्वर का दर्शन करते और फिर गोवर्धननाथ जी से कहते तो बाबा सुनते, क्योंकि उनकी जल्दी सुनी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पास टू फैक्ट, बेल आइकन दबाएं ताकि आप सुना आ जाए हमारे हर एक वीडियो से। हम उसको ज्ञात नहीं कर पाते, हम कई लोगों ने भगवान को बांट दिया, साहब ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये ठाकुर जी वाला, ये शंकर जी वाला, पर देवता कभी नहीं बटे। तुम्हारी बुद्धि से तुमने भगवान को बांट, क्योंकि तुम जब अपने घर को बांट देते हो, परिवार को बांट देते हो, तो फिर भगवान को बांट दिया, भगवान नहीं बांट।